नमस्कार दोस्तों, हाइपरटेंशन के मरीज इस समस्या को अपनी जीवन शैली और खान पान में थोड़ा परिवर्तन करके कंट्रोल में कर सकते हैं। जाहिर है, डॉक्टर भी इससे पीड़ित लोगों को दवा के अलावा अधिक सक्रिय जीवन जीने, एक्सरसाइज करने और अच्छा खाने पीने की सलाह देते हैं। दरअसल ये एक ऐसी समस्या है जो अन्य हृदय रोगों को निमंत्रण दे सकती है और आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। खान पान में बदलाव में जंक फूड से बचना, नमक का कम सेवन और घर पर बना खाना शामिल है। इस बदलाव से न केवल आपको ब्लड प्रेशर लेवल कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि आपको स्वस्थ रहने और वजन कम करने में भी सहायता मिल सकती है। वैसे कई नेचुरल उपचारों के जरिए भी आपको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। इन्हीं उपचारों में से एक इलायची भी है। इलायची एक ऐसा सुगंधित और मीठा मसाला है जो हर किसी के किचन में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की सब्जियां, चावल आदि में स्वाद जोड़ के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इलायची के कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं? पाचन को दुरुस्त रखने के इलायची ब्लड शुगर लेवल को कम करने में भी मददगार है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर इलायची ब्लड प्रेशर कम करने में सहायक है। इसका हाइपरटेंशन के पहले स्टेज पर ज़्यादा प्रभाव होता है। जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इलायची सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को कम करने में सहायक है। इनसे ब्लड प्रेशर लेवल प्रभावित होता है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? इलायची का मिठाई में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि हाइपरटेंशन के मरीजों को मीठे और उच्च कोलेस्ट्रॉल खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए, इसलिए इसे अपने आहार में शामिल करने के सबसे आसान तरीका ये है कि आप नियमित रूप से एक चुटकी पाउडर अपनी चाय में मिलाकर पिएं। इसके अलावा एक अन्य उपाय ये भी है कि आप खाने के बाद एक इलायची का दाना चबा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।